नमस्कार, बसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। खबर 12 बजे में आपका स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे डबल इंजन वर्सेस डबल इंजन। जी हां, भोपाल से खबर है। एमपी में अब डबल इंजन बनाम डबल इंजन की लड़ाई है और बीजेपी के डबल इंजन के मुकाबले अब कांग्रेस का भी नारा है। कांग्रेस कह रही है कि हमारे पास भी डबल इंजन है। प्रताप भानु शर्मा ने कमलनाथ और दिग्विजय को डबल इंजन बताया है, तो वही कांग्रेस का दावा ये भी है कि बीजेपी का डबल इंजन फेल हुआ है। उन्होंने कहा कि एमपी में हमारा डबल इंजन काम कर रहा है। अब बंसल न्यूज के कार्यक्रम आज का मुद्दा में ये शर्मा ने कहा है, तो बीजेपी पीएम मोदी और सीएम शिवराज को डबल इंजन बताती है। तो देखिए, अब तक की अगर बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से डबल इंजन का नारा दिया जाता था। पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान को डबल इंजन कहा जाता था, डबल इंजन की सरकार। तो अब देखिए, मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो कांग्रेस ये दावा कर रही है कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार फेल हुई है। और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस में भी डबल इंजन है। कमलनाथ और दिग्विजय को डबल इंजन बताया है। जिस तरह से कमलनाथ जी के नेतृत्व में, दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार चल रही है स्टेट में, केंद्र में और प्रदेश की डबल इंजन नहीं है, हमारे प्रदेश की डबल इंजन सरकार, डबल इंजन काम कर रहा है। डबल इंजन मतलब दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी? हाँ, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी यही है डबल इंजन और काम कर रहे हैं। इनके कार्यकर्ता ने शुरू कर दिया है इस चीज को। इनका तो डबल इंजन फेल हो गया सोलंकी जी का कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का डबल इंजन चल रहा है। तो चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। दो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। बीजेपी की तरफ से पक्ष रखेंगे पूर्व सांसद आलोक संजर, तो वही पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। आप दोनों का ही स्वागत है। सबसे पहले मैं बीजेपी के पास आना चाहूंगी। देखिए, बीजेपी अब तक ये दावा कर रही थी डबल इंजन उनके पास था, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का डबल इंजन फेल हुआ है। आलोक जी, ठीक है ना? देखिए, हम लोग तो चिंतन मनन अध्ययन कर रहे हैं, सफलताओं में भी हम सफलता ढूंढते हैं। एक स्टेट में हमको असफलता मिली है, लेकिन ये भी परमात्मा की कृपा है कि अब हम भविष्य में जो हमसे गलतियां हुई होंगी उस प्रदेश में हमारा नेतृत्व उन गलतियों को दूर कर अब दोबारा से मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में कोई उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी और तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमारे यहाँ डबल इंजन विकास को लेकर, इंजन शक्ति को लेकर, यदि एक ही यंत्र में दो इंजन लगा दिया जाए, एक पूर्व की जगह जा रहा हो, दूसरा पश्चिम की जगह जा रहा हो, तो इंजन वहीं खड़ा रह जाने वाला है। इसलिए कांग्रेस का जो यंत्र है वो उसमें दो इंजन लगा तो दिए हैं, लेकिन दोनों अलग अलग दिशा जाने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। इसलिए सारी उनकी जितनी भी शक्ति है वहीं से वहीं समाप्त होने वाली है, लेकिन विकास का जो इंजन है वो देश का में है और मध्य प्रदेश में है, क्योंकि दोनों सरकारों को इंजन कहा गया है और यहाँ इन्होंने व्यक्तियों को इंजन कह दिया है। सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से कल ऑस्ट्रेलिया में भी प्रधानमंत्री जी का सम्मान हुआ, पूरी ऑस्ट्रेलिया मोदी मोदी चिल्लाती रही, लिटिल इंडिया का वहाँ पे स्थापना हो रही है। प्रताप भानु जी, आलोक जी को आपने सुना कह रहे हैं कि बीजेपी तो सरकार को बता रही है, लेकिन आप लोग तो व्यक्ति व्यक्ति को डबल इंजन बता दे रहे हैं। तो चलिए, आपको एक बार फिर से बता दें, दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे। दोबारा हम प्रताप भानु जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से आलोक संजर जी लगातार बने हुए हैं। आलोक जी, देखिए, यहाँ पर कांग्रेस ये भी कह रही है कि बीजेपी पीएम और सीएम शिवराज सिंह चौहान को डबल इंजन बताती है, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो ये फेल होता हुआ नजर आया। जैसा कि आप कह रहे थे, एक राज्य में ही हमारी सरकार जो है फेल हुई है। देखिए, मध्य प्रदेश का यहाँ तक सवाल है, तो कल माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, वो लोग जिन्होंने कभी एयरपोर्ट नहीं देखा था, उनको एयर यात्रा कराकर, हवाई जहाज से यात्रा कराकर तीर्थ दर्शन कराए हैं। जहाँ दूसरे देखें तो विश्व में एक अपना भारत का ढंका हमारा वैश्विक नेता बजा रहा है। प्रताप भानु जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रताप भानु जी, आलोक जी ये कह रहे हैं कि हम तो सरकार को डबल इंजन बताते हैं, लेकिन आप तो कमलनाथ और दिग्विजय व्यक्ति व्यक्ति को डबल इंजन बता रहे हैं। नहीं, अब ऐसा है, इनके तो डबल इंजन फेल हुए कर्नाटक में, ये बात सही है, और जो बात सही है वो मैंने स्वीकार करना चाहिए। डबल इंजन यही बातें करते थे, वहां साबित हो गई डबल इंजन की भ्रष्टाचार सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार है। डबल इंजन में डबल 40% का शेयर इन सबको गया है, ये भी बात वहां सिद्ध हो गई है। तो यदि ये डबल इंजन की बातें करते हैं तो मध्य प्रदेश में भी यही हो रहा है। इनका कमीशन, इनका भ्रष्टाचार, इनके नौजवानों की रोजगारी, अभी तीर्थ यात्रा वाला इन्होंने कर दिया, 18 साल में कभी नहीं किया, हवाई जहाज से भेजने का काम,
चुनावी वर्ष में इनको याद आई तीर्थ यात्रा की, और 18 साल में इनने कभी नहीं करा लाडली बहना योजना, चुनावी वर्ष में 19वें साल में इनको याद आ रही कि लाडली बहना को भी हमें 1000 रुपया देना है। हमारे कमलनाथ जी ने कहा है हम 1500 रुपया लाडली बहना को देंगे, हमारी सरकार बनने पर हम 500 रुपया गैस सिलेंडर देंगे 500 रुपये में। ये दो ऐसी योजनाएं हैं जो महंगाई से राहत दिलवाएंगी गांव के गृहिणी को, गांव के परिवार को, महिलाओं को फायदा होगा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से प्रताप जो कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी, उनकी तरफ से भी कई योजनाएं यहां पर लोगों के हित में लेकर आई जाएंगी। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए।